हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गेनर आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं और एग्जाम के लिए अच्छा से प्रिपेयर कर रहे हैं तो आज मैं आप लोग ये लेकर आया हूं एच एस फर्स्ट ईयर का टू थाउंड का एजुकेशन का क्वेश्चन पेपर तो आप लोग पहले अलॉटमेंट ऑफ मार्क्स देख लें यहाँ पे कितने मार्क्स के क्वेश्चन पेपर हैं ये तो आप लोग जानते होंगे आपके जो क्वेश्चन पेटर में शॉर्ट क्वेश्चन आता है मतलब ट्वेल्व मार्क्स का आप लोग देख लीजिए और टू मार्क्स के आपके ट्वेल्व क्वेश्चन होंगे आप लोग देख लीजिए उसके बाद फोर मार्क्स के आपके टेन क्वेश्चन होंगे देन आपका सिक्स मार्क्स का फोर क्वेश्चन होगा दैट ट्वेंटी फोर मार्क्स का तो ये जो क्वेश्चन पेपर है यहां पर हम लोग वन मार्क्स के एंड टू मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोग प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखें इग्नोर ना करें और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कर दें और अगर आप लोग ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर वन में देखेंगे गिव अप्रोप्रिएट आंसर एज डायरेक्टेड जो कि आप जो कि आपका वन मार्क्स के टोटल ट्वेल्व क्वेश्चन है यानी कि ट्वेल्व मार्क्स का है आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर ए में आपका है एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन मैन हु सेड दिस स्टेटमेंट तो ये जो स्टेटमेंट है ये किसने कहा था तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद है कि नहीं क्वेश्चन नंबर बी में आपका है हु वाज द चीफ एडवोकेटर ऑफ सोशल एम ऑफ एजुकेशन तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जॉन डीवे है कि नहीं क्वेश्चन नंबर सी में आपका है द वर्ड सोशियोलॉजी हैज बिन डिराइव फ्रॉम द लेटिन वर्ड सोशियो एंड ग्रीक वर्ड लोगस है कि नहीं और आपका लोगस का मतलब क्या होता है स्पीच और रीजन ये भी आप लोग का क्वेश्चन आ सकता है आप लोग प्लीज इस चीज को भी मतलब ध्यान दें इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर डी की ओर क्वेश्चन नंबर डी में आपका है गैंग लॉयल्टी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लेटर चाइल्डहुड हुड ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि लेटर चाइल्डहुड जो कि कौन सी एज ग्रुप को बोलते हैं हम लोग इसका आंसर हो जाएगा आपका एट टू टेन ईयर्स क्वेश्चन नंबर ई में आपका है द फर्स्ट अटेम्प्ट टू डिवाइड द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ इन टू फोर स्टेजेस वॉज मेड बाई रूसो इन हिज बुक इसका आंसर हो जाएगा आपका इमाइल है कि नहीं ये काफी इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है आप लोग प्लीज इस चीज को लर्न कर लें जो आपका अपकमिंग एग्जाम है इसके बाद क्वेश्चन नंबर एफ में है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फुलरपानेट तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट है कि नहीं क्वेश्चन नंबर जी में आपका है इन विच लोगों का ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि NCRT का फुल फॉर्म क्या है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग क्वेश्चन नंबर एच में आपका है इज द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म थ्योरी आंसर हो जाएगा आपका जॉन बी वाटसन क्वेश्चन नंबर आई में है आपका कारिकुलम इज ए टूल इन हैंड्स ऑफ द आर्टिस्ट मटेरियल अकॉर्डिंग टू हिज आइडियल्स इन स्टूडियो स्टेटमेंट तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आपका है है, कि नहीं? क्वेश्चन नंबर जे में तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ट्रू है कि नहीं क्वेश्चन नंबर के में आपका है गुरुकुला सिस्टम वाज प्रिवेल ड्यूरिंग द डैश पीरियड तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वैदिक एज अगर इसी क्वेश्चन को आपको अगर में लिखना हो तो आप लोग लिख सकते हैं थाउजेंड बीसी क्वेश्चन नंबर है आपका व्हाट तो इस द फर्स्ट या भी लिख सकते हैं, कोई, मतलब नहीं है इसमें. इसके बाद आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर टू की ओर क्वेश्चन नंबर टू में आपका टू मार्क्स करके आपका ट्वेल्व क्वेश्चन तो आप पहले क्वेश्चन देख ले इसका आंसर मैंने ऑलरेडी कर दिया आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर ए में आपका है राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फॉर्मल एजुकेशन क्वेश्चन नंबर बी में आपका है डिफाइन द वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन क्वेश्चन नंबर सी में आपका है राइट एनी टू साइकोफिजिकल नीड्स ऑफ द इन्फेंट्स क्वेश्चन नंबर डी में आपका है व्हाट आर द टू स्टेजेस ऑफ चाइल्डहुड पीरियड क्वेश्चन नंबर ई में आपका है राइट टू इंपोर्टेंट कंडीशन ऑफ ए गुड स्कूल लाइब्रेरी क्वेश्चन नंबर एफ में आपका है मेंशन टू एजुकेटिव वैल्यूज ऑफ टेलीकॉन्फ्रेंसिंग क्वेश्चन नंबर जी में आपका है व्हाट इज ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्वेश्चन नंबर एच में आपका है राइट टू फंक्शंस ऑफ थारॉइड ग्लैंड इसके बाद क्वेश्चन नंबर आई में आपका है व्हाट इज इंस्टिंक्ट क्वेश्चन नंबर जे में आपका है राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड इंस्टिंक्ट क्वेश्चन नंबर के में आपका है व्हाट इज सत्र इसके बाद एल नंबर क्वेश्चन में आपका है व्हाट इज मोनोटोरियल सिस्टम तो ये तो थे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस चलिए इसके आंसर्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू का आपका ए का आंसर हो जाएगा टू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन आर नंबर वन इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ बाउंड्री वॉल्स नंबर टू इट इज नो डेफिनेट सिलेबस क्वेश्चन नंबर बी का आपका आंसर हो जाएगा इन ए वाइडर सेंस एजुकेशन मीन्स ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस विच बिगिन्स फ्रॉम द वेरी बर्थ ऑफ द चाइल्ड एंड एंड सेट द डेथ इट इज़ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ अटेनिंग नॉलेज थ्रू लाइफ एक्सपीरियंसेस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सी का आपका आंसर हो जाएगा टू मेजर साइकोफिजिकल नीड्स ऑफ द इन्फेंट्स आर नंबर वन इमोशन रेगुलेशन एंड नंबर टू सेल्फ कंट्रोल क्वेश्चन नंबर डी का आपका आंसर हो जाएगा द टू स्टेजेस ऑफ चाइल्डहुड पीरियड आर नंबर वन आर्ली चाइल्ड एंड नंबर टू लेट चाइल्ड हुड तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग प्लीज लान कर ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसके बाद आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर ए के आंसर की ओर क्वेश्चन नंबर ई का आंसर हो जाएगा आपका टू इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑफ ए गुड स्कूल लाइब्रेरी आर नंबर वन पॉइंट इंटरेस्टिंग डिस्प्लेस पोस्टर्स साइंस एंड आर्ट फैक्ट्स मैक ए लाइब्रेरी मोर अपीलिंग ये आपका नंबर टू पॉइंट हो जाएगा नंबर टू पॉइंट में आपका है अप टू डेट और ट्रेंडिंग नीडी बुक्स कलेक्शन ऑल्सो मेक ए लाइब्रेरी मोर ऑथेंटिक इसके बाद आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर एफ के आंसर की ओर क्वेश्चन नंबर एफ का आपका आंसर हो जाएगा टू इंपॉर्टेंट एडुकेटिव वैल्यूज ऑफ टेलीकॉन्फरेंसिंग आर नंबर वन पॉइंट इट प्रोवाइड्स लर्निंग टू लार्ज ग्रुप्स विच आर जियोग्राफिकली डिस्पर्स नंबर टू पॉइंट इट मेक्स द बेस्ट यूज ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज बाय एक्सपांडिंग द लर्निंग अपॉर्चुनिटी एंड टेकिंग द रिसोर्सेज टू द लर्नर्स क्वेश्चन नंबर जी का आपका आंसर हो जाएगा द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इज ए कॉम्पोनेंट ऑफ द पेरीफेरल नर्वस सिस्टम दैट रेगुलेट्स इन्वॉलेंटरी फिजियोलॉजिक प्रोसेसेस इंक्लूडिंग हार्ट रेट ब्लड प्रेशर रेस्पिरेशन एंड डायजेशन एक्सेट्रा क्वेश्चन नंबर एज का आपका आंसर हो जाएगा टू मेजर फंक्शन ऑफ थाइड ग्लेन आर नंबर वन पॉइंट इट प्लेज मेजर रोल इन द मेटाबोलिज्म ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी नंबर टू पॉइंट रेजिंग और लोअरिंग आवर बॉडी टेम्परेचर इसके बाद आगे बढ़ते आई नंबर क्वेश्चन के आंसर की ओर नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा इंस्टिंग इज द इनहेरेंट इंसुलेशन ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म टुवर्ड्स ए पार्टिकुलर नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा द डिफर बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड इंस्टिंग नंबर वन पॉइंट इंस्टिंग आर इन बोर्न कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ बिहेवियर दैट एग्जिस्ट इन मोस्ट मेंबर्स ऑफ द स्पेसीज एंड शुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम रिफ्लेक्सेस नंबर टू पॉइंट रिफ्लेक्सेस आर स्टिमुलस डिट बिहेवियर्स कैनॉट बी स्पॉन्टेनियस औदर हैंड इंस्टिंग आर नॉट नेली इवोक बाय स्टीमुली दे कैन बी रेस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉन्टेनियस बिहेवियर्स एंड कूड बी मोर कॉम्पलेक्स बिहेवियर्स डेट लास्ट लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम इसके बाद आगे बढ़ते के नंबर क्वेश्चन की आंसर की ओर के नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सतरज आर इंस्टीट्यूशनल सेंटर्स एसोसिएटेड विद द एक ट्रेडिशन ऑफ बैश्बीज्मी फाउंड इन द इंडियन स्टेट ऑफ आसाम ये आपका के नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एल नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा मोनिटोरियल सिस्टम इज ए टाइप ऑफ टीचिंग मेथड प्रेक्टिस मोस्ट एक्सटेंसिवली इन द नाइनटीन सेंचुरी इन विच द ओल्डर और बेटर स्कॉलर्स टॉर्ड द यंगर और वीकर पीपुल्स तो ये तो थे आपके टू मार्क्स क्वेश्चन के आंसर्स तो आप लोग प्लीज ये सारे आंसर्स लर्न कर लें तो आइए देखते हैं रिमेनिंग क्वेश्चन